बहुत सारे लोग जब मैमोग्राफी कराने जाते तो हम उन्हें ऐसे एक्सक्यूज देते कि हम ब्रेस्ट कैंसर के लिए इसलिए जांच नहीं कराना चाहते कि मैमोग्राफी के टेस्ट में पेन होता है, उसमें रेडिएशन होती है। तो ये हमने नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट थर्मो मैमोग्राफी मशीन जो है इस साल वर्ल्ड कैंसर डे पे हमने अपनी संस्था में इंट्रोड्यूस की थी, और लगातार इस मशीन से हम निःशुल्क सेवाएँ लगातार दे रहे हैं। हमारी संस्था लगभग 7 से 8 प्री स्क्रीनिंग कैंप्स करती है, इस महीने हमने लगभग 15 कैंप्स किए हैं, और इस बार ये अग्रवाल धर्मशाला हमारा नॉन स्टॉप मेगा कैंप चलेगा। क्यों अक्टूबर माह को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ की तरह से मनाने की जरूरत पड़ी? आप विश्वास मानिए कि हमारे देश में 75,000 महिलाएं पर ईयर सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर से अपनी जान गंवाती हैं। ये एक ऐसा ह्यूज नंबर है, आप ये सोचिए कि लगभग अगर हम 75,000 आंकड़े को स्प्रेड करें तो आप समझ सकते हैं कि शायद किसी भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा है। ये आंकड़ा लगभग 300 महिलाएं प्रतिदिन ब्रेस्ट कैंसर से अपनी जान गंवा रही हैं। एक एयर क्रैश होता है, कितने दिन अखबारों में आता है कि 300 लोग मर गए, लेकिन एक ऐसी बीमारी जिससे कि हम बच सकते हैं उसके बारे में हम सोच भी नहीं रहे कि हम लोगों में जागरूकता फैलाएं। सो हमारे कैंसरटेक फाउंडेशन में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा एम है वो यही है कि हम लोगों को अवेयर करें, एजुकेट करें कि बहुत सिंपल टेस्ट हैं जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, पैप स्मियर है, ये करा के आप जो है इस बीमारी से बच सकते हैं। दूसरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप महिला को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं तो वो एक सोसाइटी में दिया है। आप एक लेडी को बताते लोग होते हैं और फिर बहुत बातें करती हैं, लेकिन वो बातें करती का हमें बहुत बड़ा फायदा भी है, क्योंकि जो भी हमारी संस्था से जुड़ता है हम उनको बोलते हैं कि आप आगे 10 लोगों को बताओ, जो हम इन्फॉर्मेशन लीफलेट्स देते हैं बोलते हैं आप उसकी पिक लेके अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालो कि हर लेडी सीखे कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करता है। ये कैसी चीज़ है, आप मानिए कि 4 साल पहले जब हमने शुरू किया था तो लोग आते नहीं थे, लोगों को इतनी झिझक थी ब्रेस्ट कैंसर वर्ड ब्रेस्ट चेकअप करना, ये वर्ड से भी लोगों को एक शाइनेस होती थी कि नहीं हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये बहुत अच्छा बदलाव मैं कहूँगी कि कैंसरटेक फाउंडेशन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पिछले 4 सालों में अब हमें लोग अप्रोच कर रहे हैं, बहुत सारी इंस्टीट्यूशन अप्रोच कर रही हैं कि हम आके उनके यहाँ पे हमें स्क्रीनिंग करें और ये टेस्ट करें। तो मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हम ये 48 आवर्स का नॉन स्टॉप लगातार स्क्रीनिंग का कैंप करेंगे, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके कॉन्टैक्ट में जितनी भी लेडीज आती हैं आप सबको एनकरेज करें, मोटिवेट करें कि अधिक से अधिक महिलाएं इस कैंप में आएँ और अपना परीक्षण कराएं, और जो नहीं आ सकती हैं वो हमारी वेबसाइट पर जाके इसके बारे में जानकारी ले सकती हैं, क्योंकि हमारे लगातार कैंप्स होते हैं। तभी हम अपनी संस्था की एक मेंबरशिप ड्राइव कर रहे हैं कि जितने लोग हमसे जुड़ेंगे वो हमारी वेबसाइट को विजिट करके जान सकते हैं कि कब तक हमारे निःशुल्क कैंप्स हो रहे हैं। तो जो इस कैंप में नहीं आ सकते वो आके भी हमारे कैंप के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं फिर आप सबका वेलकम करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें आज संडे को दिया, मुझे पता है त्योहारों का समय चल रहा है, लेकिन ये मुद्दा ही इतना इम्पोर्टेंट है। ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइकल कैंसर की जो इतनी जानलेवा बीमारियां हैं, 8 लाख महिलाएं प्रति वर्ष सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर से अपनी जान गंवाती हैं, और जिसमें नए केसेस आते हैं जिसमें से कि 2 लाख से हमारे देश में होते हैं। और हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लेट डिटेक्शन, हम चीज़ को तब तक नेग्लेक्ट करते हैं जब तक कि वो इतनी ज़्यादा नहीं हो जाती कि डॉक्टर के लिए उसका उपचार कर सकते। तो मैं चाहूँगी कि आज यहाँ पे जितनी भी पुरुष और महिलाएं हैं, पुरुष वर्ग से मेरी इसलिए गुजारिश रहती है कि हमारे देश में महिलाएं अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद नहीं लेती। जहाँ पुरुष मुझे लगता है कि करवा चौथ या वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट देते हैं महिलाओं को, उसमें उन्हें उनको एक मैमोग्राफी का या पैप स्मियर का कूपन देना चाहिए। अगर आप सच में अपनी वाइफ, मदर या सिस्टर, किसी को भी आप सच्चे दिल से प्यार करते हैं, क्योंकि बहुत सारी अनपढ़ महिलाएं जिनके पास जरिए नहीं है जाने के, तो पुरुष वर्ग की अब ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो महिला जिसने अपना पूरा जीवन आपके परिवार को दे दिया उसकी हेल्थ की जिम्मेदारी अब पुरुष वर्ग की है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं फिर आप सबका स्वागत करती हूँ।